रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए सुबह से ही वोटिंग जारी है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच रामपुर सीट से सांसद रह चुके समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का एक बड़ा बयान सामने आया है। आजम खान ने पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आजम खान ने कहा कि रात भर पुलिस ने दहशत का माहौल बनाया। उन्होंने कहा कि हमारे लोकसभा उम्मीदवार गंज थाना कोतवाली सिविल लाइंस थाना गए थे। गंज थाना प्रभारी ने उनके साथ काफी अभद्र व्यवहार किया है। उन्होंने कहा कि रामपुर में हर जगह जीप और सायरन की आवाजें सुनाई देती रही। वो लोगों को थाने ले गए और उन्हें पीटा भी। आजम खान ने कहा कि मैंने सुना है कि कुछ लोगों को पैसे दिए गए हैं जो बहुत ही शर्मनाक है। इस दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमसे बड़ा अपराधी कौन है। अगर पोलिंग परसेंटेज गिराई जाती है तो इसका पूरा इल्ज़ाम प्रशासन पर ही आएगा, शासन पर भी आएगा। सारी रात दहशत मचा कर रख दी है पूरे शहर में। केवल एक ही आबादी के, हमारी आबादी के इलाकों में जिस तरह से पुलिस की जीपें, सायरन, सारे पूरा शहर जागता रहा, इतना खौफजदा हो गया कि भाई क्या हो गया, कर्फ्यू लग गया, खुदा न खास्ता दंगा फसाद हो गया, और घरों से उठा उठा कर, घरों की दीवारें कूद कर और लोगों को ले जाकर बंद कर दिया, मारा पीटा। और सुना है और भी कुछ हुआ है, लेन देन भी हुआ है, ऐसा भी सुना है। तो बहुत शर्मनाक बात है, ये बहुत शर्मनाक बात है। तो ये इस बारे में कोई जवाब दे रहे हैं कि क्रिमिनल्स को उठा रहे हैं या खास खास तौर से दिखा रहे हैं? नहीं, अब हमसे बड़ा क्रिमिनल कौन है भाई? हम तो क्रिमिनल हैं, मानते हैं भाई, हम तो, हमारे तो साथ जो चाहे सलूक करें। हम तो मुर्गी, बकरी, भैंस, फर्नीचर, किताब डकैती के मुलजिम हैं, तो हमारा शहर भी फिर वैसे ही मान लिया गया है। तो जो चाहे सलूक करें, हमें तो सहना है, रहना है तो सहना है। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों का खंडन करते हुए लोगों से अपील की है कि वो बिना डरे मतदान करें। देखिए, जनता से अपील की गई है, हमने भी किया, सबने किए, वो वोट डाले, निर्भीक होकर डाले। अनावश्यक लोग कुछ अफवाहें उड़ाते रहते हैं। अभी आपने कई बूथों पर देखा, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग प्रसन्न हैं, हंस रहे हैं, खुशी से वोट दे रहे हैं। और जिनको कोई शिकायत है वो फर्जी उड़ाते रहते हैं कि ये पुलिस कर रही है, वो पुलिस कर रही है। बहरहाल हम लोग इसी से भ्रमण कर रहे हैं, इसी बात के लिए कि कहीं कोई किसी तरह का रुकावट, किसी तरह की परेशानी किसी को ना होने पाए। और आई एम सेटिस्फाइड कि जो हम लोगों ने मेहनत करी है महीने भर की, वो उसका वो फलीभूत हो रही है। आपको बता दें, यूपी की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव जारी है। रामपुर लोकसभा सीट आजम खान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आजम खान ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। रामपुर लंबे समय से आजम खान का प्रभाव क्षेत्र रहा है और पार्टी ने रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव का जिम्मा भी आजम खान को ही सौंपा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।